अम्पहाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी लालबोई नेश्याल ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मसीही कबीले कोकियों के साथ सुतेले बच्चों जैसा सलूक कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक किरण थापर के साथ एक इंटरव्यू में लालबोई नेश्याल ने शुमाल मशरकी रियासत में बहरान को हल करने के लिए फौरी और तवील मुद्दती इकदाम के बारे में तफसील से बात की। भारतीय वजीर दाखिला की तरफ से मणिपुर के बहरान पर बातचीत के लिए एक कुल जमाती इजलास बुलाने के मौका पर ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने जो रियासत के तमाम पहाड़ी कबाइल की नुमाइंदगी करते हैं जिनमें अक्सरियत कोकियों और नगायकियों की है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मसीहियों के साथ सुतेले बच्चों जैसा सलूक कर रहे हैं। लालबोई नेश्याल ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म से मायूस हुए हैं। किरण थापड़ के साथ 36 मिनट के इंटरव्यू में नेश्याल ने जो वर्ल्ड कोकी जो इंटेलेक्चुअल कौंसिल के नायब सदर भी हैं मणिपुर के बहरान को हल करने के लिए फौरी और तवील मददी इकदाम के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने कहा है कि पहला फौरी कदम वज़ीर आज़म बैरन सिंह को बरतरफ करना और सदर राज नाफिज करना है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने बैरन सिंह को बरतरफ न करने की वाहिद वजह यह बताई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैरन सिंह के मशहूर हैं क्योंकि उनकी वजह से बीजेपी रियासत इकतदार में आई और वो समझते हैं कि वो बीजेपी के लिए मीती वोट हासिल करने में कामयाब हुए। हालांकि वज़ीर आला बीजेपी के 15 अरकान असम्बली और तकरीबन 50% अरकान असम्बली का एतमाद खो चुके हैं।